हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ओम्ब्रेला कटिंग वाला गाउन बनाएंगे, वो भी फुल फ्लेयर वाला, और फ्रंट में हम डिजाइन डालेंगे। तो इसके लिए मैंने ये वाला क्लॉथेस लिया है। ये मेरा पिंक कलर का क्लॉथ जो है मेरा 4 मीटर का है, और उसके लिए मैंने लाइनिंग क्लॉथ लिया 2.5 मीटर का। ये इसमें हमें बॉटम का पार्ट बनाएंगे। टॉप पार्ट के लिए मैंने ये मेन फैब्रिक लिया है 0.5 मीटर का, यानी 50 सेंटीमीटर का। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट बनाएंगे। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने लाइनिंग क्लॉथ को ऐसे डबल फोल्ड किया और लेंथ मेजरमेंट करके 14.5 पैक मार्क किया। ये मेरा लेंथ हो गया। अब उसके बाद शोल्डर मेजरमेंट करके उसके आधा, यानी मैंने 6 पैक मार्क किया। ऐसे 6 पे मार्क करते हुए एक लाइन खींचा। अब उसके बाद आर्म होल के लिए मैंने 6.5 पैक मार्क किया, और वहीं पे मैंने चेस्ट का मैंने 4th पार्ट, यानी मैं 10.5 पैक मार्क किया 4th पार्ट, प्लस 1.5 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया। और आर्म होल की गोलाई के लिए मैंने 1.5 इंच पैक मार किया। ये मेरा बैक का पार्ट है तो 1.5 इंच पे मार किया। फ्रंट पार्ट है तो आप 0.5 इंच ले सकते हैं, 1 इंच ले सकते हो। और शोल्डर पे मैंने 3 पैक मार किया। ये मेरा नेक की डिजाइन के लिए, पहले मैं नेक की डिजाइन के लिए मैंने 9 पैक मार किया। यहीं पे एक छोटा सा बॉक्स बनाया और ऐसे मैंने एक डिजाइन डाला। इसी प्रकार मैंने डिजाइन डाला बैक के लिए ये, और मैं कमर के लिए मैंने उसका 4th पार्ट मैंने 8 पैक मार किया, और मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन, 1 इंच एक्स्ट्रा लिया मार्जिन के लिए। उसका कटिंग कर लिया। उसको रखते हुए मैंने फ्रंट पार्ट निकालूंगी। तो फ्रंट पार्ट के लिए मैंने सेम डबल फोल्ड किया लाइनिंग क्लॉथ को, और बंद वाले साइड में मैंने ऐसे ऊपर रखा। बैक का पार्ट है ये, और यहीं पे मैंने शोल्डर और आर्म होल की गोलाई सेम रखते हुए इसको मैंने निकाल दिया। अब मेरा फ्रंट पार्ट के लिए मैंने मेजरमेंट करते हुए नेक के लिए मैंने 6 नेक मार्क करूँगी फ्रंट नेक के लिए। ये ऐसे 6 पे मार्क करते एक लाइन ड्रॉ किया। और यहीं पे मैंने गोलाई दे दूंगी। और डिजाइन के लिए मैंने नीचे से 4 पैक मार किया, और सेम इसी तरह एक बॉक्स बनाए। और वहीं पे इसी तरह मैंने डिजाइन ड्रॉ किया। अब फ्रंट के लिए तो मैं 0.5 इंच मैंने डीप लूंगी, तो डीप लिया ऐसे 0.5 इंच आर्म होल के लिए। अब उसका कटिंग कर दिया, मैंने कटिंग कर लिया है। ये वाला जो मैंने सेंटर पे था इसको मैंने निकाल दिया है, और इसको रखते हुए हम मेन फैब्रिक भी निकाल दिया। अब मैं बॉटम का कटिंग करूँगी। तो बॉटम का कटिंग के लिए मैंने कपड़े को 4th फोल्ड किया, ऐसे ज़मीन पर बिछाया, और मैं कॉर्नर की साइड मेरे कमर का मेजरमेंट का 4th पार्ट, यानी मैं 9 पैक मार्क करूँगी। ऐसे टैप को 9 पे कॉर्नर की साइड ऐसे रखते हुए दोनों साइड में मार्क करूँगी। ऐसे 9 पे रखना है कमर का 4th पार्ट,
ऐसे दोनों साइड मैंने 9 पैक मार्क किया। और अब जो कॉर्नर पे टेप को रखते हुए मेरा कॉर्नर की और पॉइंट में मेरा 6 आ रहा है, तो ऐसे कॉर्नर पे रखते हुए टेप को घुमाते हुए मैंने 6 पे मार्क करते हुए एक सर्कल बनाऊंगी छोटा सा। अब मैं लेंथ मेजरमेंट के, मेरा बॉटम का लेंथ 30, तो मेरा ये पॉइंट पे रखते हुए टेप को 30 पे एक मार्क करूंगी। ऐसे 30 पे एक मार्क करूंगी नीचे। अब लाइन पे नहीं रखना है हमें, कॉर्नर पे टैप को रखते हुए ये 36 आ रहा है टोटल, तो 36 पे रखते हुए मैंने ये सर्कल बनाया, ऐसे मार्क किया। और दूसरी साइड मेरा 36 नहीं आ रहा है, 2 इंच कम पड़ रहा है, यहीं तक मेरा 36 आ रहा है और नीचे मेरा 2 इंच कम हो रहा है। तो इसके लिए मेरा जो दूसरे साइड मेरा कपड़ा है बचा हुआ, ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसमें से मैंने छोटा सा कपड़ा निकाल के वहीं पे मैंने सेट करूँगी, जॉइन करूँगी। अब मेरा 36 पे मार्क करते हुए कटिंग कर दूँगी। ये कटिंग कर लिया है, ये छोटा सा कपड़ा अटैच कर लिया, सिक्योर पिन के साथ मैंने सिक्योर कर लिया है। ये टोटली 30 आ रहा है मेरा लेंथ। अब टॉप के लिए हमें स्टिचिंग करना है, तो टॉप ये मेरा फ्रंट पार्ट है, इसमें जो डिजाइन डालेंगे, ये छोटा सा कपड़ा मैंने निकाल लिया था, इसको रखते हुए मैंने मेन फैब्रिक में ऐसे कपड़ा निकाला, ये छोटा है, ये इसको रखते हुए मैंने मेन फैब्रिक के चारों तरफ 1 इंच बड़ा साइज निकालते हुए, बड़ा साइज लेते हुए मैंने कटिंग कर लिया मेन फैब्रिक में। और ये लाइनिंग क्लॉथ भी मैंने निकाल लिया। अब स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग के लिए मेरा बैक का पार्ट को मैंने ऐसे रखा और उसके ऊपर मेरा लाइनिंग क्लॉथ रखा और ये किनारे पे एक सिलाई दे दी, ऐसे सिलाई दे दी और ये छोटे छोटे कट्स लगा लिया ताकि मेरा उसके पलटने से अच्छे से आए। अब उसके बाद ये मैंने लेस लिया है, ऐसे लेस लेते हुए ऐसे जॉइंट किया। अब उसके बाद फ्रंट की डिजाइन के लिए ये जो कपड़ा लिया है छोटा सा, मैं ऐसे जॉइंट करूंगी, यहीं तक मैंने अटैच करूंगी। ये मैंने अटैच कर लिया लाइनिंग क्लॉथ एंड मेन फैब्रिक अटैच कर लिया, ये छोटा सा मैंने छोड़ दिया है। अब मैं पलट दिया उसको। अब ये जो दूसरा पार्ट है उसको हम सेम इसी तरह अटैच करेंगे, नेक की डिजाइन ऊपर अटैच कर लिया और नीचे एक सिलाई दे दी। अब उसके बाद उसको अच्छे से फोल्ड किया और सेंटर पे ऐसे कट लगाना है। ये दोनों पार्ट हो गया, ये छोटे छोटे कट्स लगा लिया ताकि पलटने नहीं से अच्छे आसान हो जाए। अब उसके बाद ये जो कट लगाया है इसके साइड में हम सिलाई दे देंगे। यहीं पे एक सिलाई दे देंगे। ये सिलाई दे दी है, अब उसके बाद उसको पलट देंगे।
दोनों साइड मैंने पलट लिया। ये किनारे पे एक सिलाई दे दूंगी और ये जो सेंटर पे सेंटर के से चार मीटर में एक 4 इंच पे एक टक्स देना है दोनों साइड। अब मैं उसके दोनों पार्ट्स को मैंने लेस को अटैच करूंगी। सेम इसी तरह अटैच करना है लेस को। दोनों साइड मैंने लेस अटैच कर लिया और वहीं पे मैंने एक छोटा सा ये पोटली बटन डालूंगी। इसके लिए मैंने 5 पोटली बटन बनाया और एक वन बाय वन मैंने ऐसे पोटली बटन रखते हुए एक लाइन से मैंने उसको अटैच करूंगी सिलाई देते हुए। अटैच कर लिया। अब उसके बाद ये जो पिंक कलर का क्लॉथ है यहीं पे भी इसके ऊपर एक लेस अटैच करूंगी। ये अटैच कर लिया है। अब उसके बाद इसको पिंक कलर के क्लॉथ को मैंने नीचे रखा और इसके ऊपर ये फ्रंट का पार्ट मैंने ऐसे रखते हुए एक सिलाई देते हुए अटैच कर लिया है। अब उसके बाद उसके सोल्जर मैंने अटैच करूंगी बैक के पार्ट के साथ। ये दोनों कपड़ा मैंने ऐसे जॉइंट करूंगी। ये अटैच कर लिया है। कितने अच्छे से आ गया। टॉप का पार्ट बन गया। अब बॉटम के लिए सबसे पहले ये मेन क्लॉथ को लाइनिंग क्लॉथ के साथ ऐसे कमर पे ऐसे लाइन में सिलाई देते हुए अटैच कर लिया। अब उसके बाद ये जो टॉप का पार्ट है उसके कमर पे ऐसे रखते हुए लाइन पे देते हुए ऐसे अटैच करना है। इसके ऊपर ही एक सिलाई देना है। ये सिलाई देते हुए दोनों साइड मैंने अटैच कर लिया। फ्रंट बैक मेरा बन के तैयार हो गया है। अब मैं स्लीव्स अटैच करूँगी। तो ये वाला स्लीव्स मैं ऑलरेडी इसका वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ मैंने यूट्यूब में। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ये मैंने उसमें नहीं बताया क्योंकि ये मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा और ज़्यादा लेंदी भी हो जाएगा, तो इसलिए मैंने इसका स्लीव्स का अलग से मैंने वीडियो बना के यूट्यूब में डाल चुकी हूँ। ऐसे मैंने स्लीव्स अटैच कर लिया है गाउन पे। अब मैं फिटिंग करते हुए ऐसे दोनों बैक और फ्रंट का जॉइंट करूँगी और ये जो मेरा नीचे बॉटम का जो मेन फैब्रिक है मेन फैब्रिक के साथ मैं अटैच करूँगी। ये लाइनिंग को लाइनिंग के साथ अटैच करूँगी। अब मेरा गाउन बन के तैयार हो गया है। ये अटैच कर लिया दोनों साइड। बहुत ही सुंदर है ये डिजाइंड गाउन। इसका बैक नेक के लिए मैंने ये लेस या टॉसल ये बना चुकी हूँ। ये डोरी में बना चुकी हूँ दो, तो मैं डोरी अटैच करूँगी। अब मेरा गाउन बन के तैयार हो गया है। ये गाउन कैसे लगा तो मैं आप मेरे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।